यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इफ एक्स पावर लॉग बेस 7x इज ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है आपसे पूछा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझा देता हूं. एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगा है. सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, यूनियन ऑफ 7 टू इंफिनिटी एंड इस x बिलोंग टू 1/7 टू इंफिनिटी. अब एक चीज देखिए, अगर आप यहां पर 10 रख देंगे तो 10 की पावर, यहां पर भी 10 रख देंगे तो लॉग बेस ए अगर होता है तो 1 है, इसमें ज्यादा हो गया इसका मतलब 1 से बड़ा, और 10 की पावर कुछ भी हो तो बड़ा हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं होगा. राइट, एक और चीज समझिएगा, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए पावर एम लॉग बेस ए एक्स होता है एक्स पावर एम, और ए पावर लॉग बेस ए एक्स होता है एक्स. इसका मतलब, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहां पर लॉग, जैसे लॉग बेस 7 1/7 रखेंगे तो -1 रखेगा, और लॉग बेस 7/7 रखेंगे तो +1 मिलेगा. इसका मतलब आप 0 से 1/7 और 7 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो. राइट, फिर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर ओवरऑल कंसेप्ट देखें तो ऐसा है. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दो चीजें दी, एक्स लेस देन इक्वल टू -4, वाई लेस देन इक्वल टू 0. अब देखिए यहां पर एक्स लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, यहां पर एक्स लेस देन इक्वल टू -4 बोला है. कंपेयर करें तो दोनों का कॉमन, ये 4 से छोटा है -4 से, तो टोटल -4 से छोटा होगा. या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला या लेस देन इक्वल टू, तो एक ही वैल्यू है कॉमन 0. राइट, समझिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, कॉमन पॉइंट 0 हुआ. यहां लेस देन 4, ये लेस देन -4, तो ओवरऑल -4, तो सी इसका राइट आंसर होगा. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 टाइम्स. अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है या टाइम कंज्यूम करेंगे. -r² = 0, पी क्यू आर रियल नंबर. आपको दो स्टेटमेंट दिए, पहला स्टेटमेंट है द रूट्स आर रियल, दूसरा स्टेटमेंट है द रूट्स आर रियल, सॉरी द रूट्स आर इक्वल इफ पी इक्वल टू क्यू एंड आर इक्वल टू 0. देख लेते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ऐसा मिलेगा 4x² - 4x × p + q +4pq - r² = 0. राइट, ये मिला. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर देखे हम तो b² - 4ac, जो कि अगर रूट्स रियल होंगे, पहले देखते हैं b² कितना, तो 16 × p + q - 4 × 4 × 4pq - r². अगर आप इसको देखें तो 16 कॉमन निकल के कैंसिल, तो एक तरह से b² + q² + 2pq - 4pq + r² ये मिला आपको. राइट, क्योंकि आपने यहां पर देखिए क्या हुआ होगा, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, p प्लस q का स्क्वायर 4a × this. अब अगर ध्यान दें तो ये मिलेगा p - q² + r². अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो रूट्स आर रियल, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट है द रूट्स आर इक्वल इफ, अब रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो अगर p q के इक्वल हो गया और r 0 हो गया तो ये ठीक 0 हो जाएगा, तो रूट्स इक्वल भी होंगे अगर p इक्वल टू q r इक्वल टू 0 हो गया, तो आप बोलेंगे बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है समझने वाला. अ बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय C D C C D D C C C D D D, वेयर C ग्रेटर देन D, ये ग्रेटर देन D है, मतलब एक्चुअल में ये ऐसा है 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0. आपसे पूछा है कि व्हाट इज डेसिमल इक्विवेलेंट टू. देखिए जरा ऑप्शन देखिए, 1848, 2048, 2842 एंड 2872.
राइट अब दो तरीके देखिए जरा ध्यान से गिनिए इस वन के साथ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 2048 तो इस वन के साथ ही हो गया यानी ये दो आंसर रिजेक्ट अब इस वन के साथ करूंगा तो देखिए अब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब 2 power 9 यानी 512 राइट 512 एंड 2 जितना 256 वो हम ऐड कर लेते हैं तो इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 50 राइट ये हो गया 0 एंड 56 देन 5 2 5 6 0 एंड 256 राइट 6182 यानी 2816 अभी भी देखिए ध्यान से कि अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 यानी 32 फिर 16 और फिर 8 इसका मतलब 40 प्लस यानी 56 और इसमें अगर ऐड कर लें आप तो आपको समझ में आ जाएगा 2 and 7 तो दिस इज द राइट आंसर कितना अच्छा क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे राइट नोट कर लीजिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो क्या देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2 ओके कैन नेवर बी लेस देन 2 अब ये दो स्टेटमेंट अगर देखें तो ये अगर मान लो ये 1 अपॉन cos थीटा है तो अगर x प्लस 1 बाय x को देखें तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू माइनस 2 ये हमने कई बार पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम में तो ये 1.5 तो नहीं हो सकता यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है पर सेकेंड फॉल्स है ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेस देन इक्वल टू माइनस 2 पर इन्होंने बोला है नेवर बी लेस देन 2 तो ऐसा नहीं हो सकता तो आप इसका बोलेंगे ओनली वन इज करेक्ट राइट ओनली वन इज करेक्ट राइट नोट कर लीजिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या है समझते हैं क्वेश्चन को और कैसे करना है वो बताता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉट ऑफ यूनिट सर्कल विद सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर मतलब अगर आप इसको ऐसे सोचो कि ये यूनिट लेंथ का है ये इसकी कॉर्ड हो गई तो इसकी लेंथ कितनी रूट टू इस समय एंगल है 90 degree राइट इस समय एंगल कितना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल विथ सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर तो अगर थीटा 90 तो इसमें ऑप्शन में देखें हम तो देखिए ऑप्शन है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 अगर मैं यहां 40-90 रख दूं तो ये 1 बाय रूट 2 मिलेगा ये रॉन्ग ये भी रॉन्ग यहां रखो तो 2 1 बाय रूट 2 ये रूट 2 है ये भी रूट 2 है मतलब इन दोनों में कोई एक अब मान लो कि ये छोटा ही होता ऐसा सोचते हैं तो एंगल और कम हो जाता तो ये लेंथ भी कम हो जाती इसका मतलब ये लेंथ कम हो जाती तो ये साइन में ही पॉसिबल है थीटा बाई 2 तो दिस इज द राइट आंसर 2 साइन थीटा बाई 2 राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक चीज समझिएगा बहुत अच्छा देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जैसे ये लेस देन इक्वल टू 1 और इसको मैं आपको ऑप्शन से लॉजिक से बताता हूं मेथड से जल्दी आप कर पाएंगे एंड सी इज 1 2 2 एंड डी इज एक्स इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 4 अब ये आपको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है ग्रेटर देन हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं सिंपल लॉजिक है आप सबसे पहले 1 रख के देख लें अगर मैं 1 रखूं तो 3 माइनस 3 0 0 यानी 1 वाला नहीं हो रहा है तो 1 नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा अब ये बचा है अब जैसे आप 1.5 रख के देख लें राइट 1.5 रख के देख लें अब जैसे 2 से बड़ा बोला है तो आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें आपने मान लो 3 ले लिया होता तो क्या होता 9 माइनस 9 प्लस 2 ये पॉसिबल है क्या नहीं तो इसका मतलब ये वाला आंसर ये सब आंसर कट हो गए तो बचेगा कौन सा आंसर लाइक दिस 1 2 2 अब आप x की जगह रख के देख लीजिए जैसे 3 by 2 तो 9 by 4 1.5 रख रहे हैं आप 9 by 4 माइनस 3 into 1.5 रखा तो 3 by 2 प्लस ऑफ 2 यही वैल्यू आप यहां पे रखिए आपको खुद जवाब मिल जाएगा देखिए 9 by 4 माइनस 9 by 2 प्लस ऑफ 2 या 9 by 4 माइनस 18 by 4 प्लस 8 by 4 राइट ये कितना हुआ 26 सॉरी ये हुआ 17
माइनस 18 माइनस 1 बाय 4 पर यहां मॉड है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा. तो इस तरह से आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं. तो सी इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको. एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर इक्वल इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब देखिए रूट्स इक्वल है इसका मतलब ये हुआ अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख दूं, ये बताया था, तो ए बी से कैंसिल यानी वन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट वन है तो दूसरा क्या होगा. तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय, तो सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी. एक रूट वन है और रूट इक्वल बोले तो दूसरा भी वन ही होगा, इसका मतलब बीटा इक्वल टू भी वन होगा. तो अल्फा बीटा वन, तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं आप चाहें तो. तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टू ए सी बी कॉमन, तो टू ए सी अपॉन ए प्लस सी देन ए बी सी आर इन एच पी. राइट, तो ए बी सी किस में होंगे, एच पी में, तो इसका आंसर होगा सी. नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. देखिए इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, वेक्टर का क्वेश्चन है. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर, कोई भी दो वैक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, मतलब ये, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द वैक्टर आर पैरेलल, द वैक्टर आर परपेंडिकुलर, द वैक्टर आर एंटी परपेंडिकुलर. सिंपल लॉजिक है, परपेंडिकुलर होंगे. बताइए क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, और ये भी यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी. वैक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो इक्वल होगा. अगर ए डॉट बी जीरो हो गया तो इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब वैक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. राइट, तो करेक्ट आंसर होगा बी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन विथ वन ऑफ इट्स फोकाई इज फाइव बाई टू. ठीक है, एक फोकाई के साथ एंगल फाइव बाई टू है, देन वॉट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स. बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है. ये सोचिएगा, ये है फोकाई ए कॉमा जीरो, माइनर एक्सेस के साथ इसका एंगल है 90, यानी ये 45 हुआ. राइट, ये लेंथ होती है बी, ये लेंथ होती है ए, तो सीधा सीधा 10 45 ले लीजिए ना. 10 45 क्या, बी अपॉन ए या ए इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. ए स्क्वायर कैंसिल, तो टू ई स्क्वायर इक्वल टू वन, देन ई इक्वल टू वन बाय रूट टू. इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप थोड़े से कंसेप्ट से करते हैं आपके क्वेश्चन होने लगते. नोट कर लीजिए.